हेलो बच्चों, आज की अपनी संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उसी के समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि एक ही चीज के कई नाम उसके पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला पर्यायवाची शब्द है बुद्धि। बुद्धि, इसके अन्य नाम या इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मनीषा, मति, प्रज्ञा। बुद्धि के पर्यायवाची क्या क्या हैं? मनीषा, मति, प्रज्ञा। अगला हमारा शब्द है संदेह। संदेह, संदेह के पर्यायवाची क्या हैं? संशय, संशय, द्वापर, संशय, द्वापर, विचिकित्सा। संशय, द्वापरा, विचिकित्सा। अगला है हमारा शब्द स्वीकारना। स्वीकारना, स्वीकारना के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? नियम, अंगीकार, प्रतिज्ञानम्। नियम, अंगीकार, प्रतिज्ञानम्। अगला शब्द है मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष के पर्यायवाची क्या होंगे? मुक्ति, मुक्ति, कैवल्य, कैवल्य, निर्वाण, निर्वाण। मोक्ष को क्या क्या कहते हैं? मुक्ति भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं। अगला शब्द है काला रंग। काले रंग को क्या कहते हैं? काले रंग को कृष्णा भी कहते हैं, नीला भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं। इन सब का अर्थ काला काला ही होगा। अगला शब्द है सरस्वती। सरस्वती को वाणी भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, भाषा भी कहते हैं। सरस्वती को क्या क्या कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं वाणी, भारती, भाषा, बोली। बोली को उक्ति, लपित, भाषित। बोली को क्या कहते हैं? उक्ति, लपित, भाषित। ये इसके पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है हमारा समाचार। समाचार, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? वार्ता, प्रवृत्ति, वृत्तांततः। वार्ता, प्रवृत्ति, वृत्तांततः। अगला शब्द है निंदा। निंदा के पर्याय क्या होंगे? अवर्ण, परिवाद या आक्षेप। अवर्ण, परिवाद या आक्षेप, ये निंदा के पर्यायवाची शब्द है। शब्द, देखो शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? निनाद, ध्वनि, रब। शब्द को निनाद भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, रब भी कहते हैं। अगला शब्द है नृत्य। नृत्य, नृत्य का पर्यायवाची क्या है? नटन, नाट्य, नर्तन। नटन, नाट्य, नर्तन। अगला शब्द है स्वर्ग। स्वर्ग को क्या कहेंगे? नाक, सुरलोक, देवलोक। नाक, सुरलोक, देवलोक, स्वर्ग के पर्यायवाची। हमारा अगला शब्द है देवता। देवता को क्या कहेंगे? देवता को कहते हैं अमर, देव, सुर। देवता को कहेंगे अमर, देव, सुर। अगला शब्द है असुर। असुरा, असुरा को क्या क्या कहेंगे? दानवः, राक्षसः, दनुजः। दानवः, राक्षसः, दनुजः, किसके पर्यायवाची हैं? असुर के। अगला शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को और क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी को कहते हैं पितामह, पितामह, आत्मभू, आत्मभू, सुरज्येष्ठ, सुरज्येष्ठ। ये ब्रह्मा जी के नाम है। विष्णु, विष्णु जी को क्या कहेंगे? नारायण, दामोदर, गोविंद। ये सब विष्णु जी के नाम है, नारायण, दामोदर, गोविंद। अगला शब्द हमारा कामदेव। कामदेव को और क्या कहेंगे? मदन, मारह, मनमथा। मदन, मारह, मनमथा, ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी को पद्मा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, श्री भी कहते हैं। पद्मा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, श्री भी कहते हैं। गरुण, अगला शब्द है गरुण। गरुण को और क्या कहेंगे? वैनतेय,
वैनतेयः खगेश्वरः नागान्तकः। वैनतेयः खगेश्वरः नागान्तकः, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गरुड़, गरुड़ा। अगला शब्द है हमारा शिव। शिव, शिव को और क्या कहेंगे? शंभु महेश्वरः शंकरः, शंभु महेश्वरः शंकरः। अगला शब्द हमारा पार्वती। पार्वती जी को क्या कहेंगे? उमा भी कहते हैं, गौरी भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं, सब पार्वती जी के नाम हैं और ये इसीलिए ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। आपके कोर्स में इतने ही पर्यायवाची शब्द हैं, इनको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए।